हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्शी। अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी बस असर की नमाज़ पढ़ के मैं आई थी, किचन में जा रही थी, तो मैंने क्यों ना कैमरा ऑन करके थोड़ी आप लोग से बात हो जाए। तो अफ्तारी का टाइम तो हो ही रहा है, सारी बनाने जा ही रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर जाते हैं किचन में। और आजकल एक बात ज़रूर होगी, आज इतना टाइम हो गया मार्केट में रोज़ ही नहीं मिल रहा है। आपके वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? यहाँ पे हम लोगों ने पूरी मार्केट में ढूंढ लिया, कहीं रुअफ़ज़ा नहीं, बड़ी मुश्किल से एक मिला भी। JRL करके कंपनी है, शरबत आज़म, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला मिला, और ये लेकिन बिल्कुल जो डाबर का रुअफ़ज़ा होता है ना, उस तरह है ही नहीं, ना इसमें उस तरह की खुशबू है। और रमज़ान में रुअफ़ज़ा नहीं पिया, चाहे आप कोई भी शरबत बना लीजिए, लेकिन रुअफ़ज़ा जब तक आप नहीं पियेंगी तब तक लगता ही नहीं है कि हमने रोज़ा खोला है या कुछ भी किया है। तो बड़ी दिक्कत हो रही है रुअफ़ज़े की, रुअफ़ज़ा मिली नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट में रुअफ़ज़ा है ही नहीं। तो अब मैं जा रही थी किचन में रोज़ा अफ्तार का इंतज़ाम करने, और आज मैं कह रही थी कि कौन सी पकौड़ी बनाए, तो आज मैंने सोचा कि जो है ब्रेड पकौड़ी बनाएंगे। ब्रेड पकौड़ा नहीं, ब्रेड पकौड़ी। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनती है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो आज हम सीखेंगे ब्रेड की पकौड़ी बनाना। तो मैं आ गई किचन में, और ब्रेड पकौड़ी बनाने के लिए मुझे चाहिए बेसन। मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, और उसमें डालेंगे चाट मसाला आधा टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, नमक और ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, और लाल पिसी हुई मिर्च और नमक। नमक आप अपने हिसाब से लेंगे, मिर्चा भी आप अपने हिसाब से लेंगे, और ब्रेड आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उतने लोगों के लिए आपको ब्रेड लेनी है। नॉर्मल मैंने ब्रेड लिए, अभी इसको काटूंगी। पहले मैं बेसन का पेस्ट बना लेती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं बेसन का पेस्ट। तो मैं ये सारा मसाला बेसन में डाल दूंगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे फेंकना है। आज आपको मेरे घर में कोई शोर नहीं सुनाई देगा। जैन अपने फ्रेंड के घर गए हैं, जैन के पापा अपने काम से ऑफिस गए हैं, घर में कोई अभी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छे से पेस्ट बना रहा, लेकिन आपको ना ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना, बस जैसे आप आलू के चिप्स बनाने के लिए बेसन बनाती हैं ना, उतना ही हमें बनाना है, बस वैसे ही। इसको मैं अच्छे से फेंट लेते हैं। देखिए ये मेरा पेस्ट बन गया है, अब मैं इसको रख दूंगी अलग। अब हम करेंगे ब्रेड पर में जो हमें करना है। मैंने ब्रेड ले लिए, ब्रेड ले लिए। अब ब्रेड को हमें ना ऐसे एक ब्रेड के चार पीस करने हैं, हमें ऐसे काटना है 20 से, और फिर ऐसे करना है। एक ब्रेड में हमें चार पीस करना है, अब आप इतना समझ लीजिए। चार पीस कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से दिखेगी, इतने बड़े। और इसके हमें साइड नहीं निकालने, अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। वैसे हमने सोचा इसको निकालने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पकौड़ी हमेशा कुरकुरी हो वो हो तो अच्छी लगती है, इसलिए इसको निकालिए नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बस अब इसे हमें क्या करना है, बेसन में डिप करना है और अपने तेल में डाल देना है। तो चलिए गैस ऑन करते हैं। तेल हो गया है, बस चेक कर लेते हैं। हाँ तेल हो गया है। अब हमें इसमें ब्रेड को, ब्रेड एक लेनी है, और इसको बेसन में ऐसे करके आपको करना है अच्छे से, और आपको अपनी कढ़ाई में, फ्राई पैन में जिसमें आप बना रहे हो उसमें डाल दीजिए इस तरह से। बहुत अच्छे और टेस्टी होते हैं ये। कि रमज़ान में आप बदल बदल के बनाएंगे ना, तो बच्चे भी, और बच्चों ये नहीं कि आप रमज़ान में ही, आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ये शाम को स्नैक्स के उस पर तौर पे भी आप बना सकते हैं, हर चीज़ में बहुत अच्छे बनते हैं, और ज़्यादा हैवी भी नहीं होते। ब्रेड पकौड़ा आप एक खा लेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, और रमज़ान में ऐसे हल्की हल्की चीज़ें बनाइए तो सही रहता है। देखिए अच्छे से एक तरफ से हो जाएगा, फिर हम पलट देंगे। एक साइड से हो गया, अब हम पलटते दूसरी साइड। मुझे ना कढ़ाई से ज़्यादा अच्छा अपना ये फ्राई पैन लगता है, इसमें आराम से बना लो, इसलिए मैं ज़्यादातर इसको यूज़ करती हूँ, कढ़ाई को बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो
ये देखिए हो गए। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह से मेरे पास जितनी ब्रेड बनी है बची हुई है, मैं उस पेस्ट में डाल के सबको कर लूँगी। देखिए कितना ईजी है बनाना। ब्रेड पकौड़ी बन गई है। अब मैं इसी तेल में पापड़ डाल दूँगी तलने के लिए। अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू के कोफ्ते। अब मैंने इसकी प्रिपरेशन पहले से तैयार कर ली थी, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 3 आलू को उबाल लिया था, उसमें गरम मसाला, थोड़ी सी मिर्ची लाल पिसी हुई, हरी मिर्ची और प्याज बारीक महीन महीन काट के डाल दी, हरी धनिया डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट और थोड़ा सा बेसन, उसको मैंने अच्छे से मिला के उसके बाद ऐसे ऐसे बाउल की तरह बना लिया। उसको अब मैं तेल में तल लूँगी। तो मेरा गैस पर तेल चढ़ा हुआ है, गर्म हो जाएगा। मैंने तेल चेंज नहीं किया है, जिससे मैंने ब्रेड पकौड़ी बनाई है पापड़ तले, उसी में मैं इसको भी तल लूँगी। तो तेल हो जाएगा तो मैं इसको भी तलूँगी। इसी में तेल हो गया है, मैं ये डाल दूँगी। ये आलू भी कोफ्ते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अभी ऐसे बनाइए। ये देखिए एक साइड के हो गए थे कुछ, तो मैंने पलट दिया है। अभी एक साइड के कुछ बाकी हैं, आप पेस्ट कर देती हैं यार। हो गया, अब मेरे तलने का सारा काम हो गया है। अब मैं बनाऊंगी फ्रूट चाट और मुझे अब शरबत बनाना है। ये देखिए ये हो गए हैं, ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैं इनको निकाल लूँगी, सब एक साथ मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ फ्रूट चाट बनाने, जल्दी से फ्रूट चाट बनाने क्योंकि टाइम भी होने वाला है इसलिए। ये देखिए मैंने फ्रूट चाट तैयार कर दिया। अब मैं जा रही हूँ जल्दी से शरबत बना दूँ। ये है मेरा छोटा सा रोज़ा अवतार का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये ब्रेड के पकौड़े ज़रूर बनाइएगा। और रोज़े अवतार का टाइम हो रहा है, आप भी सब रोज़ा अवतार कर लीजिए, दुआ मांगिए, अल्लाह सबको सलामत रखे।